सो हाय दोस्तों, मैं आपका वेलकम करता हूं आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बुक्स एज। सो इफ मैं आपको ये बोलूं कि आज 21st सेंचुरी में कोई देश अभी तक गुलाम था तो क्या आप इस बात को बिलीव करोगे? और हाँ, जिन लोगों को ये बात पता है वो बिलीव करेंगे, लेकिन जिन लोगों को ये बात नहीं पता है उनके लिए मैं ये बता देता हूं कि आज 21वीं सदी में भी एक देश था जो गुलाम था, स्पेन का। उस देश का नाम है कैटालोनिया। लेकिन एक बहुत ही खुशखबरी की बात ये है कि 27 अक्टूबर 2017 को इस देश को आजादी मिल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अब हमारी दुनिया में सिर्फ 195 नहीं 196 कंट्रीज हो चुके हैं। सो इस देश के बारे में, इस देश को कैसे आजादी मिली और इसकी फ्रीडम फाइट के बारे में मैं एक दूसरे वीडियो में डिस्कस करूंगा। इफ आप लोग चाहते होंगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इस वीडियो में मैं इस देश के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करूंगा। सो बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, कैटालोनिया अपनी आजादी की लड़ाई आज से नहीं 1787 से कर रहा है, जब पहली बार 1714 में एक स्पेनिश राजा किंग फिलिप्स 5 ने इस पे हमला करके इसे जीत लिया था। और 1932 में इसे आजादी मिली थी कैटलन रिपब्लिक के नाम से, लेकिन 1939 में इसे फिर से जीत लिया गया था फ्रांसिस्को फ्रैंको नाम के एक तानाशाह के द्वारा। फैक्ट नंबर 2, जिस दिन को वर्ल्ड इकोनॉमी का डार्क डे माना जाता है, दैट इज 9/11, जिस दिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ था, उस दिन को कैटलंस अपना नेशनल डे मनाते हैं। और अब से शायद वो 27 अक्टूबर 2017 से अपना इंडिपेंडेंस डे भी मनाना स्टार्ट कर दे। सो फैक्ट नंबर 3, एक बार 16 लाख कैटलंस ने आपस में मिलकर एक दूसरे का हाथ पकड़ के 250 माइल लंबा चेन बनाया था अपनी आजादी के मांग के लिए। सो फैक्ट नंबर 4, कैटालोनिया 218 BC में रोमन एम्पायर का भी एक हिस्सा रह चुका है। कैटलंस यानी कैटालोनिया के निवासी एक बहुत ही अजीब डांस करते हैं, सारदाना नाम, जिसमें बहुत सारे कैटलंस एक साथ एक गोल सा सर्कल बना लेते हैं और उसमें डांस करते हैं। आप ये कह सकते हो जिस तरह हमारे यहाँ बच्चे रिंगा रिंगा रोजेस खेलते हैं, कैटलंस की एक और भी बहुत ही अजीब आदत है जिसमें वो मशरूम्स की हंटिंग करते हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि मशरूम की हंटिंग कैसे की जा सकती है? दैट्स द यूनिक पार्ट। कैनरी आइलैंड के बाद कैटालोनिया दूसरा ऐसा कंट्री है जिसने 2010 में बुल फाइटिंग पे बैन लगा दिया। अब आप सोच ही सकते हो, स्पेन जो बुल फाइटिंग के लिए इतना फेमस है, उसके शासन के अंदर में कैटालोनिया ने इसलिए बैन लगाया क्योंकि मे बी उसे स्पेन से दो दो हाथ करने हो। जी हाँ दोस्तों, हम क्यों ना एफसी बार्सिलोना फुटबॉल टीम को बस एक फुटबॉल टीम की तरह देखते हो, लेकिन कैटालोनिया के लोगों के लिए वो बस एक फुटबॉल टीम नहीं है। कैटालोनिया के लोगों के लिए वो की जान। उनके यहाँ एक बहुत ही कॉमन परंपरा है जिसमें मेंस अपनी फीमेल पार्टनर को रोजेस गिफ्ट करते हैं और उनकी फीमेल पार्टनर्स अपने मेल पार्टनर्स को बुक्स गिफ्ट करती हैं। ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से शायद कैटालोनिया के लोग पढ़ने में बहुत तेज हो। सो फिलहाल तो दोस्तों मुझे इतने ही फैक्ट मिल चुके हैं, लेकिन आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया हो। और जी हाँ, इफ आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप नीचे दिए गए एक रेड कलर के बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे ऐसे ही बहुत सारे ट्रेंडिंग अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और कुछ नॉलेजेबल टॉपिक्स के साथ मैं आते रहूंगा और आपसे मिलते रहूं और आपको ऐसे ही एंटरटेन और आपको ऐसे ही एडुकेट करता रहूं। और इफ आप उस सब्सक्राइब बटन के बगल में दिए गए बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा तो आपके पास सीधा नोटिफिकेशन चला जाएगा मेरे किसी भी वीडियो का और आप मेरी एक भी वीडियो को मिस नहीं कर सके। तब तक के लिए टेक केयर पीपल, आई लव यू ऑल, और हम फिर मिलेंगे बहुत ही अमेजिंग।